विक्रम जी, एक विक्रम जी एक चीज जरा क्लियर करिए, एक बात जो फैजान ने कही, वकील ने कही, धमकियां दी गई हैं, 2021 का एक मामला है, यूट्यूबर को केस वापस लेना पड़ा था, अब ममता काले कह रही है कि क्या एल्विश ने खुद फोन करके धमकी दी, कोई खुद फोन करके धमकी देता है क्या? राकेश जी, सब चीजों को इन टोटैलिटी अगर आप मूल्यांकन करें और आप ये देखें आपको जिंदगी में कितनी बार धमकी मिली है, मुझको 50 बार मिली है, और जो 50 बार धमकी मिली है आधी उसमें से गलत थी, लेकिन जो सही थी उसके पीछे या तो किसी और ने दी, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वयं अगर किसी बाहुबली को देना हो वो बाहुबली फोन थोड़ी करेगा, बाहुबली के चमचे और उनके पिट्ठू फोन करेंगे या चिट्ठी भेजेंगे, वो ठीक है फिर उनका इलाज भी बड़ा मासूम तरीके से हो गया, लेकिन अगर धमकी की शिकायतें आई हैं ये अपने में पॉइंट नोट करने वाला है। हम अगर अपने YouTube में AK-47 लेके चला रहे हैं, माना कि वो डमी हो सकते हैं, हम अपनी जेब से पिस्तौल निकाल के चला रहे हैं, माना वो डमी हो सकती हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के बारे में मुझे अच्छी जानकारी हो जाती है कि आप क्या चाहते हैं दिखाना और आप क्या करने का साथ है और अपनी क्या आप इमेज बना रहे हैं। इस तरीके के जो आप भोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं हथियार चलाने का और अपनी जेब से पिस्तौल निकालने का, मैं समझता हूं कि ठीक है युवा क्या क्या करते हैं, लेकिन धमकी का देना, पिस्तौल और AK-47 चलाने का स्वांग रचना, मैं स्वांगी कहूंगा, और सांप के बारे में आरोप आना और FIR में नामित आरोपी होना, ये अपने में तमाम एक चीज विक्रम जी, और फिर मैं फैजान आपके पास आ रहा हूं, जितने पुलिस ने सवाल पूछे वो लगातार हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि राहुल से संपर्क कैसे, कहां मुलाकात, सांप वेनम को लेकर बात हुई, जिस रेव पार्टी की बात सामने आई उसमें क्या भूमिका, तमाम 8-10 सवाल है जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिली कि सवाल एल्विश यादव से पूछे गए, लेकिन एल्विश यादव का खुद को बार बार बेगुनाह बताना, या तो इनके पास इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं, या फिर हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें विक्रम जी? इसका इंटरप्रिटेशन तो केवल एक ही है कि अभी विवेचना प्राइमरी स्टेज में है, अभी जांच चल रही है और इस मामले में इतनी पेचीदगियां हैं, लाइफ एक्ट है, नारकोटिक्स है, रेव पार्टी है, लड़का रहने वाला है गुड़गांव का, और विदेशी महिलाओं का आना, इसमें एक कोई बिंदु थोड़ी है, अगर इन्वेस्टिगेशन प्लान है इन सब चीजों का समावेश होगा, और जो धमकी की बात फैजान ने बताई है एक एक धमकी के बारे में तह तक जाना होगा, और धमकी दी तो उसके बारे में अभिप्राय क्या है, आपने अपने फैंस को रोकने के लिए कोई कोशिश की या आपने और आग में घी डालने कोशिश की और धमकी दो, ये सब चीज इसका मूल्यांकन जरूर होगा विवेचना में। ठीक है फैजान, आप कुछ कह रहे थे? सर जी, सर मैं विक्रम सर की बात से भी सहमत हूँ और प्रिया मैम की बात से भी सहमत हूँ सर कि एल्विश यादव की कोई सर ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर से हजारों लोग जुड़े रहते हैं, सो सर मुझे ये लगता है कि 2-3 हजार लोग उसके कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं जो उनसे बोल के वो कुछ भी कराता है, मेरे लिए बोल रहा है। आपकी सारी बातें ठीक है लेकिन ये मत कहिए कि फैन बेस नहीं है, 7 मिलियन से ज्यादा लोग यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगहों पर, तो फैन का एक बड़ा बेस है। मतलब है सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि फैन किसी का कॉल करके धमकी नहीं दे सकता, अगर ये कोई बोल रहा है सर मैं ये बात नहीं मान सकता सर, फैन के पास इतना टाइम नहीं है, फैन पसंद करते हैं गाली गोल के गोली मार देंगे, ये सर ये तो मैं मान ही नहीं सकता सर, कोई भी कहेगा ड्यू टू रिस्पेक्ट ये मैं नहीं मान सकता, कोई फैन नहीं करता, कोई दोस्त अपना दोस्त भी किसी को धमकी दे सकता है। अब ममता काले एक सवाल बताइए, आप किसी को किसी आइकॉन के तौर पर पसंद करती होंगी, मैं भी करता हूँ, तो क्या कोई किसी के लिए उठकर धमकी दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं राकेश जी, मैं आपको बताऊं, आप मीडिया में हैं, बड़े एंकर हैं, पत्रकार हैं, मैं एक छोटी मोटी बहुत ही नामाकूल सी सामाजिक कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं और बहुत मुद्दों पर मुखर होकर के अपना विषय रखती हूं, और आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि मुझे भी बहुत धमकियां आती हैं, बहुत धमकियां आती हैं और लोगों के बिहाफ पर आती हैं, तो ये कह देना और ये नेशनल टेलीविजन पर बोल देना कि धमकियां लोगों के जो आसपास के चेले चपाटे या जो कोई चाहने वाले लोग होते हैं वो नहीं देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। दूसरी जरूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूं राकेश जी कि जो FIR हुई है, मैंने दिन में भी बोला था आपके चैनल में, अब भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन से पहले ये बोल देना कि ये व्यक्ति गलत है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये ठीक नहीं है। गलत कौन बोल रहा है राकेश जी? पहचान की अपनी राय होगी, विष्णुप्रिया की अपनी राय है, यहां से हम गलत करें क्या? हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि एल्विश यादव सच बता रहा है या सच छिपा रहा है। सर एक बात बताइए, नहीं मैंने तो राकेश ये नहीं बोला
कि आप गलत बोल रहे हैं, मैंने तो ये नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हो, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जैसे विष्णुतिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्या आप मुझे अधिकार नहीं देंगे कि मैं नहीं, बिल्कुल आपको अधिकार है किसी को ये बोल देना कि धमकियों को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैडम मैं धमकियों को लाइटली नहीं ले रही हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, मैं खुद इस चीज का शिकार रही हूँ, लेकिन किसी के जीवन को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के जीवन पर इतनी बड़ी आपत्ति आई है तो समय दीजिए, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, थोड़ा सा समय की कमी, विष्णुप्रिया जल्दी अपनी बात रखिए 20 सेकंड। छोटा सा आप मेरा जवाब लीजिए, आपने बोला कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की आपने बात करी, आपने धमकियों की बात करी, बट मैम आपको ये तो पता है ना, आपके ऊपर कभी इतने बड़े केसेस और ये सब तो नहीं होता है ना, इतना बड़ा इश्यू तो नहीं होता है ना कि हर जगह ये बहुत, देखिए ये बहुत गंभीर केस है आपकी मैम, 7 मिलियन से ऊपर फैन फॉलोइंग है ना, देखिए इसका यूथ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। धमकियां अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या असर पड़ रहा है हमारे यूथ पे, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए मैम, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ आप बिल्कुल सही, बट आप ये चीजें गलत बोल रही हैं ना, एक वहाँ एलविश यादव की बात हो रही है, यहाँ आपकी और मेरी, यहाँ पे आपकी और मेरी, हम लोग किसी केस में नहीं फंसे, हमारा नाम नहीं आया या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, हमें पूछताछ के लिए नहीं, आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है मैम, आपको कहीं भी पूछताछ नहीं। ठीक, प्रियंका गुप्ता एक आखिरी बात, क्या एलविश यादव सवालों के घेरे में है, इतना तो तय है, क्या ये माने कि ये उनके लिए सबसे मुश्किल समय है अभी तक, एक काउंटडाउन जो तय करेगा आगे उनका आप एक आइकॉन के तौर पर भविष्य? जी, जैसे कि सभी जानते हैं वो बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जैसे ही उनका बड़ा नाम होने लग गया तो वैसे ही दुश्मनों की कमी बिल्कुल नहीं है, उनके पास बहुत सारे दुश्मन हैं, अभी भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो उनके बारे में, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कि उन्होंने गमला चोरी कर ली, जो इतने बड़े यूट्यूबर हैं जो इतना पैसा कमाते हैं, एक गमला चोरी तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर इतना विवाद हो रखा है नेट पे, तो ये बातें सारे बेबुनियाद हैं, और पुलिस जांच कर रही है, आगे जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। भगवान थोड़ा, भगवान नहीं है लेकिन, बट उनके फैन फॉलोइंग बहुत है, भक्त की कमी है। अभी देखिए देर रात तक जानकारी है कि एलविश यादव फिर से पुलिस के सामने जाए, वहां पर पूछताछ हो, जानकारियां सामने आएंगी, आपके सामने रखेंगे, लेकिन यह तय है कि एलविश यादव सवालों के घेरे में है और उन्हें पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा, वो दे भी रहे हैं, और पुलिस तय करेगी कि ये साजिश है, एलविश को फंसाया गया या फिर सच क्या है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।